नगर पालिका के कांजी हाउस में गायों को भारी अनियमितताओं के बीच रखा जा रहा है, जहां गायों के खाने के लिए न तो चारा दिया जा रहा है और न ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, जबकि यहां बंद की गई गायों की स्थिति काफी खराब हो गई है। भले ही सरकार द्वारा गौ संरक्षण और संचालित किए गए कांजी हाउस के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हो, किंतु जमीनी हकीकत की बात करें तो सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं एक ताजा मामला नगर पालिका बालाघाट के कांजी हाउस का है, जहां पर एक गाय की खाने पीने से लेकर इलाज करने के लिए कोई भी प्रयास नगर पालिका के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि गाय की एक आंख चोटिल होने के बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदार गाय का उपचार नहीं करवा रहे हैं। वहीं गाय काफी दुर्दशा में कांजी हाउस में बंद है, जबकि गायों की दुर्दशा इतनी अधिक खराब है कि यदि वह किसी प्रकार से कांजी हाउस में रहती है तो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी, जबकि एक आंख चोटिल होने के कारण आंखों में इन्फेक्शन फैलने के साथ ही गाय की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखिए बालाघाट कांजी हाउस की अर्थव्यवस्था, ना यहाँ पे चारा है ना यहाँ पानी है। दो कुंड बनाए गए हैं लेकिन दोनों कुंडों में पानी नहीं है। और हमें फ़ोन आया था जिस प्रकार से, तो गायों की हालत देखिए, पर कोई भी ना नगर पालिका का हो ना शासन का हो ना प्रशासन का हो, कोई भी यहाँ पर नहीं है। भैया जरा